हे गाइज, वेलकम बैक टू डे आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ डाबर के मिस बैग टूथपेस्ट की। गाइज, वैसे तो देखा जाए डाबर कहता है कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो वाकई में अधिकतर जो डाबर प्रोडक्ट बनाता है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही बनाता है। लेकिन डाबर का मिस बैग और चाहे वज्रदंती हो, ये काफी फेमस है, तो ये काफी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो 50 ग्राम का है और ये काफी महंगा भी है। तो गाइज, आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। और ये मिस बैग के नाम पे हमें कहीं केमिकल तो नहीं दे रहे हैं? वैसे तो डाबर आयुर्वेदिक बोलता है इसको, और इस पे ये देखिए ग्रीन पट्टी भी दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं ग्रीन पट्टी दे रखी है और इसका पूरा कलर भी ग्रीन बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे डाबर के अधिकतर प्रोडक्ट पर ये पेड़, दो पेड़ बने होंगे, ये आदमी बना होगा राजस्थान वाला और उसके साथ दो तीन ऊंट होंगे, रेगिस्तान में घूम रहा होगा। तो ये दर्शाता है कि ये डाबर बबूल से बना हुआ है। ये जो आदमी है ये बबूल और किसान यानी कि राजस्थान का आदमी और ये ऊंट, ये रेगिस्तान को प्रदर्शित करता है और रेगिस्तान में सबसे ज्यादा होता है बबूल, तो ये बबूल को प्रदर्शित कर रहा है इनका ये सीन। तो गाइज, ये है डाबर का मिस बैग टूथपेस्ट और ये सॉरी 50 ग्राम नहीं 100 ग्राम का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका प्राइस, तो 100 ग्राम के लिए हमको लगता है 70 रुपया। हाँ जी, ये 70 रुपए का है 100 ग्राम। अब ये बोलते हैं कि ये 0% फ्लोराइड फ्री है, तो फ्लोराइड फ्री तो हो जाता है, फ्लोराइड फ्री तो आपने कर दिया। साथ में इनका बोलना है कि ये प्योर मिस बैग एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। दूसरा ये बोलते हैं पैराबीन नहीं है, ट्राइक्लोरोसन नहीं है, फॉर्मलिन भी नहीं है इनके टूथपेस्ट में, क्योंकि ये चारों केमिकल बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं हमारी हड्डियों के लिए, हमारे टूथ के लिए। जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड होगा उसमें हमारे जो दांत की हड्डी है वो गलने लग जाती है, उसका जो एनीमिया होता है वो निकल जाता है और दांत उससे ठीक होने की बजाय खराब हो जाते हैं। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, कोई भी टूथपेस्ट खरीदे तो फ्लोराइड, पैराबीन और ट्राइक्लोसन और फॉर्मलिन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूं। ये बोलते हैं कि इसको आप फिजिशियन के उद्देश्य से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इसको 2-3 ग्राम अपने टूथब्रश में ले सकते हैं और दिन में 2 बार यानी कि सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एज डायरेक्टेड बाय डेंटिस्ट और फिजिशियन, यानी कि जब आपको डेंटिस्ट और फिजिशियन रिकमेंड करे तभी इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, सोर्बिटोल, वाटर सिल्का, सोडियम लेरुसल सल्फेट, और इसमें है फ्लेवर, इसमें है मिसबैक एक्सट्रैक्ट, इसमें है सेलुलोज गम, और इसमें है कैराग्रीन सोडियम सिलिकेट और PBM / MA कोपिलोइमर, और इसमें सोडियम सचरेन, जिंक ग्लूकोनोएट, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएल एल्कोहल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखा जाए तो इसमें एक्सट्रैक्ट एक ही जगह पे दिया हुआ है लेकिन सारा का सारा केमिकल दिया हुआ है। तो ये मान के चलिए कि इसमें मिसबैग तो दिया है लेकिन भर भर के इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखिए, केमिकल तो केमिकल ही होते हैं, कितने भी इसमें सेफ हो हमारे लिए, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं जाके नुकसान ही करने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम बेकार है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें अधिकतर जो इन्होंने बोला है कि किन किन चीजों में इसमें रिलीफ मिलता है और क्या क्या चीज रिलीफ देती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसमें एसेंशियल ऑयल्स दिया गया है
वो आपके प्रिवेंट जर्म बिल्डअप, जो नए जर्म होते हैं जर्म, उनको बिल्डअप होने से रोकता है, प्रिवेंट नहीं होने देता है। और जो इसमें टेनिन्स है वो रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके गम प्रॉब्लम्स को, यानी कि मसूड़ों को जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करता है और होने भी नहीं देता है। ये आपके जो इसमें रेजिन्स पड़ा हुआ है वो आपके दांत का जो एनिमल है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रोक के रखता है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और जो विटामिन सी है वो करता है आपके टिश्यू को रिपेयर, यानी कि जो आपके टिश्यू होते हैं जो टूट जाते हैं मसूड़ों के, उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और इसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ पतंजलि के दंत कांति टूथपेस्ट। तो इसमें कितना केमिकल है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है नहीं किया गया है, वो भी आयुर्वेदिक बनाते हैं पतंजलि। और वैसे देखा जाए पतंजलि के काफी सारे प्रोडक्ट फेल भी हुए हैं, लेकिन उसमें सॉरी उनका दंत कांति टूथपेस्ट नहीं है। और उसने काफी हद तक डाबर कोलगेट की मार्केट तो खत्म ही कर दी है, जबकि इन लोगों ने भी हर्बल और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट निकालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो दंत कांति इस टाइम मार्केट में काफी प्रचलित है, और वो आयुर्वेदिक है नहीं है उसका भी हम जनगणना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, कोई सवाल है इस संबंध में तो नीचे कमेंट जरूर कर देना भैया, जरूर रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।